वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी रेसिपी है हेल्दी और टेस्टी पालक की पूरियाँ। सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह गर्मा गर्म आप इसे नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चे या बड़ों को आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने आधी कटी पालक को अच्छी तरीके से धोकर कढ़ाई में डाल लिया है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, और ढाक कर 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर बॉयल करेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं, पालक बॉयल हो गई है, बहुत ज़्यादा पालक को बॉयल नहीं करना है। अब मिक्सर में मैं 4 हरी मिर्चें ले रही हूँ, आप कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्चें लें। 1 से 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का डालकर इसे पीस लेंगे। अब इसी में ही पालक और पालक का निकला हुआ पानी डालकर पीस लेंगे। अब मिक्सर में थोड़ा सा 1 से 2 बड़े चम्मच के बराबर पानी डालकर इसमें लगी हुई पालक भी ले लेंगे। अब इसमें 2 छोटा चम्मच बेसन डालेंगे जिससे पूरी अच्छी खस्ता बनेगी, 1 छोटा चम्मच तिल, 1 छोटा चम्मच जीरा, टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डालेंगे। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 1 छोटा चम्मच तेल हल्का गर्म करके डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एकदम से बहुत ज़्यादा आटा ऐड ना करें, नहीं तो नीट करने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करते जाएं और मिक्स करते जाएं। अभी आटा बनना शुरू हो गया है, इसमें और सूखा आटा नहीं ऐड करना है और पूरी के लिए हमें इसका सख्त डो रेडी करना है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। इसे बस हम नीट करते जाएंगे तो ये पूरा सूखा आटा इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और एक टाइट डो रेडी हो जाएगा। इसी के अगर आप पराठे बनाना चाहते हैं तो रोटी की तरह नरम आटा गूंद लें। तो इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है और ये जो सूखा आटा है नीट करते करते पूरा ये आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और पूरी के हिसाब से बिल्कुल टाइट डो रेडी हो जाएगा। तो पूरा आटा इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और पूरियों के हिसाब से अच्छा टाइट डो रेडी हो गया है। अब तेल लगाकर इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब आटे का बड़ा सा लोई लेकर इसे रोल करेंगे और पूरियों के हिसाब से कट कर लेंगे। अब लोई को रोल करके हल्का सा तेल लगाकर पूरी बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे पतला ना करें, और इस तरह से सारी पूरियां बना लेंगे। अब तेल को अच्छा गर्म करेंगे, चाहे तो इसमें थोड़ा सा आटा डालकर देख लें, अगर आटा फ्राई होकर तुरंत ऊपर आ जाता है तो मतलब तेल पूरियों के हिसाब से अच्छे से गर्म हो गया है। अब तेल में पूरी डालेंगे और जब पूरी तेल के ऊपर आ जाए तो इसे हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे जिससे पूरी अच्छी तरीके से फूल जाएगी, और जब पूरी फूल जाए तो इसे फ्लिप करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सारी पूरियां फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक पूरी फ्राई करके और बताती हूँ। तो एक गर्मा गर्म पालक की पूरियाँ बनकर तैयार है। इसे आप आलू मटर की सब्जी के साथ, राजस्थानी लहसुन लाल मिर्च की चटनी के साथ, या अपनी किसी भी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। और बनाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।